तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं एडवांस एक्सेल के डेटा टाइप के बारे में और डेटा वैलिडेशन के बारे में हम थोड़ा सा एडवांस जानने की कोशिश करेंगे। लाइक इसके दो एग्जांपल थे बट एक ही एग्जांपल से टाइम कराऊंगा क्योंकि फॉर्मूला नहीं हुआ है, इसलिए एक एग्जांपल मैं यहाँ पे इग्नोर करूंगा। रिकॉर्डिंग की परमिशन दे दें? जी हाँ जरूर। अब यहां पे हम देते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास सिटी है, सिटी लिस्ट है दिल्ली और नोएडा, राइट? दिल्ली एंड नोएडा, और यहां दिल्ली का जो लोकेशन है वो है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल, ठीक है, और एनसीआर भी कर देता हूं। और इसका दिल्ली का जो है नोएडा का जो है सेक्टर है, समझ लीजिए सेक्टर 1, 2, 3। अब मुझे क्या करना है कि मैं यहां पे सिटी लिखता हूं और यहां पे एरिया लिखता हूं। तो डेटा वैलिडेशन में मैं गया, सॉरी डेटा वैलिडेशन में गया और यहां से हमने लिस्ट को गया और लिस्ट में हमने दिल्ली और नोएडा को सिलेक्ट कर लिया। आ गया सर दिल्ली और एरिया। अब मैं चाहता हूं कि यहां जो एरिया है इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। कैसे होगा? सिंपल तरीका है, हमने इसको सिलेक्ट किया और फॉर्मूला के अंदर डिफाइन नेम में गया, इसका नाम हमने लिख दिया दिल्ली, तो सेम जो यहाँ स्पेलिंग है सेम स्पेलिंग गया, और इसका नाम हमने कर दिया नोएडा, डिफाइन नेम नोएडा, तो सेम नेम। उसके बाद मैं यहां डेटा मेनू बार में आता हूं, डेटा वैलिडेशन में जाता हूं, लिस्ट पे आता हूं और यहां इक्वल मैं कर देता हूं इन डायरेक्ट ब्रैकेट ओपन और देन। अब यहां पे इनडायरेक्ट क्यों लगाया मैं बताएंगे? हेलो, नहीं सर इसका नहीं पता। इनडायरेक्ट फॉर्मूला करता है क्या? हाँ इस फॉर्मूले का नहीं पता इनडायरेक्ट क्या करता है। आपको बताया तो था शुरुआत में जब पेज पिछले कराया था, तो आपने मुझे बताया था शुरुआत में पिक्चर लुकअप कराया था आपको मैंने? कौन सा? नहीं वी लुकअप नहीं कराया अभी आपने। वी लुकअप नहीं, पिक्चर लुकअप जब मैं एक होम मेनू बार के जो पेज से फिर कराया था उस समय की बात कर रहा हूं। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ क्या करता है। देखिए जैसे कि आपने यहाँ पे इक्वल ए वन लिखते हो तो क्या होता है? हेलो, हाँ जी आवाज आ रही है सर। बोला कि इक्वल ए वन लिखते हैं तो क्या होता है? ये उसका से फार्मूला ले लेता है। फार्मूला लेता है ना? लेकिन इसी में मैं इक्वल करूं और इन्वर्टेड कॉमा में ए वन लिखूं तो क्या होगा? उसको टेक्स्ट में ले लेगा। ओके, अब मान लीजिए किसी सेल पे मैंने ए वन लिखा हुआ है और मैं यहां इक्वल करके इसको सिलेक्ट किया तो ये ए वन ही शो करेगा। हाँ जी, लेकिन मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि ए वन इसको, इस ए वन को समझे इस वाले ए वन को। ओके 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 ठीक है, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं? इनडायरेक्ट का फॉर्मूला लगाते हैं, इनडायरेक्ट, और इसमें ए वन को हम लिख देते हैं। आ गया सर? इनडायरेक्ट क्या करता है कि अगर आपने इन्वर्टेड कॉमा में ए वन लिख दिया तो उसको टेक्स्ट ना समझ के उसको रेफरेंस समझता है और उस रेफरेंस को वो
फॉरवर्ड कर देता है। ठीक सर, समझ गए? हाँ जी। कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। तो ये सेम काम यहाँ हो रहा है कि जो दिल्ली है, दिल्ली टेक्स्ट नहीं है, दिल्ली नाम का एक लोकेशन है जो कि हमने डिफाइन नेम से क्रिएट किया हुआ है, और नोएडा नाम का लोकेशन है जो कि हमने डिफाइन नेम से क्रिएट किया हुआ है। समझे? ठीक है, क्लियर है सर? इसमें कोई डाउट नहीं? तो यही चीज मैंने यहाँ पे किया हुआ है। हमने जब यहाँ डेटा में गया, डेटा वैलिडेशन लगाया, तो यहाँ पे मैंने इनडायरेक्ट G3 कर दिया। G3 में क्या हुआ, टेक्स्ट है, तो जैसे ही यहाँ पे चेंज करेंगे इस नाम का लोकेशन पे चला जाएगा और उसका डेटा मुझे शो कर देगा। यहाँ देखिए शो कर दिया। ठीक है, क्लियर है? हाँ जी सर। मुझे यहां से मैं अगर नोएडा करता हूं तो अब यहां से देखेंगे नोएडा का एरिया। इसको डिपेंडेंट कॉम्बो बॉक्स बोलते हैं, इसको और विस्तार में हम बताएंगे आपको जब हम आपको फॉर्मूला सिखाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जैसे कॉन्सिलिएट था, कॉन्सिलिएट के लिए हमें एक डेटा तैयार करना होगा। तो जैसे यहाँ पे हमारे पास क्वार्टर वन है, क्वार्टर टू है, और मान लीजिए क्वार्टर थ्री है सर। तो यहां पे मान लीजिए रिपोर्ट, यहाँ पे नेम लिख देता हूं और यहाँ पे जैन का है मार्च तीन कर देता हूँ रिपोर्ट, और यहाँ हमने नीरज, कविता, मोहन, इंदर, उदय, ऐसे कुछ नाम दे दिए, इतना ही रहने, छोटा ही रहने देता हूँ। ठीक है ना? हालांकि इसका यूज हम लोग 2003 में करते थे, बाकी में पावर के लिए आ जाने के वजह से इसका यूज अब बहुत कम गया है। कॉपी किया हमने, इसको पेस्ट किया, हमने इसको पेस्ट किया। अब यहाँ पे हमारा अप्रैल होगा, और यहाँ से जुलाई से यहाँ, और फिर मैं यहाँ तीनों को सिलेक्ट करता हूँ इकट्ठा और इस पूरे को कॉपी करके इसी के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ। अब चौथे सीट पे आता हूँ और यहाँ यहाँ डेटा मेनू वाले में कॉन्सिलिएट पे क्लिक करता हूँ। हमें क्या करना है, सम करना है, जो कैलकुलेशन करना हो कैलकुलेशन सिलेक्ट कीजिए, हमें सम करना है और हमें अपने रेफरेंस को लेना है। यहाँ हमने यहाँ से इसको ऐड कर दिया, तो दूसरे में गया, दूसरे को सिलेक्ट किया, ऐड किया, तीसरे में गया, तीसरे को सिलेक्ट किया और ऐड किया। ठीक है, लेवल यूज कौन करना है, टॉप रो लेफ्ट कॉलम, और ये क्रिएट लिंक को डेटा सोर्स भी कर सकते हैं, कर दीजिए बैक। तो यहां पे तीनों डेटा यहां इस तरह से कंबाइन हो गया। ठीक है सर? और हमने लिंक डेटा किया हुआ है तो बता देता है किसका क्या है, यहाँ पे आपको साफ दिख रहा है। बात समझ में आया सर? लेकिन अगर मान लीजिए मैंने जनवरी में गया, 33 के जगह पे मैं 65 कर दिया सर, पर यहां भी आपका 65 हो गया। क्यों? क्योंकि इसने जो है यहाँ सम किया हुआ है। अगर मान लीजिए जैन अगर यहां भी होता तो इन दोनों का सम दिखा देता। अगर मैंने यहाँ पे जैन कर दिया
तो आप जो कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे सम हो जाता है, सी टू से सी फोर यहाँ सम आपको दिख रहा है, या नीचे आपका डेटा आ जाता है, यहाँ ये तीनों का सम दिखा रहा है। बात समझ आई सर आपको कि नहीं? आ गई सर। तो कॉन्सिडेंट इस चीज के लिए यूज किया जाता है। कॉन्सिडेंट के बाद अगला जो आता है ये आपका, ये आपका रिलेशनशिप है, ये आपको पावर क्यूरी ने समझाया ही आपको, और ये आपका वही है पावर पिवट, जो पिवट पावर पिवट टेबल सिखाया था उसी का पार्ट है। हालांकि यहाँ तो ऑपरेट नहीं होता, हम लोग ऑपरेट उसको डेवलपर टाइम में यहाँ से इसमें पावर पिवट के तहत यहाँ इससे करते हैं। डेटा निर्माण अगला बात करता है व्हाट इज एनालिसिस। व्हाट इज एनालिसिस में यहाँ सिनेरियो मैनेजर है, एक नई सीट मैं खोलता हूँ, वहां पे हम सिनेरियो मैनेजर के बारे में। हालांकि देखिए मैं सीरियसली बता दूं, मैं मैंने सिनेरियो मैनेजर को यूज बहुत नहीं किया है, क्योंकि मैं अपना डैशबोर्ड अपने तरीके से इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्या है। एक उसके लिए हमें एक डेटा तैयार करना पड़ेगा कि बजट मैं 2020 तैयार करता हूँ, उसमें हमारे पास मान लीजिए सेल्स है, सेल्स हमारा अगर हम बात करें 3,90,000 का है, हाँ ऐसे भी वैल्यू ले लिया मैंने, यार कम करता हूँ 25,000 करता हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्सपेंसिव कर देता हूँ मैं खर्च, एक्सपेंसिव मान लीजिए मेरा जो है वो 15,000 का है, और यहाँ मैं प्रॉफिट निकालता हूँ। प्रॉफिट में क्या होगा, सेल माइनस खर्च, सेल तो 10,000 के यहाँ प्रॉफिट हुआ, ये मान लीजिए हमारा डेटा है। अब चलते सिनेरियो मैनेजर, डेटा मेनू बार, व्हाट एनालिसिस सिनेरियो मैनेजर, एड सिनेरियो नेम, मैंने यहाँ पे दे दिया मार्केटिंग, यहाँ पे आता है सेल चेंज, और यहां पे आप अपना ये दे सकते हैं फोर कास्टिंग सेल्स उसको ऐड करता हूं। अब आता है सिनेरियो मैनेजर, ये आपका आता है बजट, ये आपका C4 C3 आ गया, और मैं आपसे इसको ऐड कर देता हूं। उसके बाद मैं इसको यहां से ओके करता हूं। दोबारा खुल गया, हाँ। उसके बाद इसी तरह से आप अपने और भी जैसे मार्केटिंग का बजट और बहुत सारे बजट इस तरह से ऐड कर लीजिए। उसके बाद जब शो पे क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे समरी पे माफ कीजिएगा, समरी पे क्लिक करेंगे तो रिजल्ट हमने बोला यहाँ चाहिए देन ओके, तो इस तरह से आपको एक रिपोर्ट वे में दे देगा आपको। हालांकि इसका यूज हम लोग बहुत कम करते हैं, मैं तो खास से बहुत कम करता हूं। या उसके बाद ये मार्केटिंग का हो गया,
सॉरी यहाँ पे मैंने यहाँ पे दे दिया मार्केटिंग, मैं थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूँ उसको, मार्केटिंग का बजट हो गया। उसके अलावा मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट करता हूँ और यहाँ मैं देता हूँ मान लीजिए फाइनेंस का। फाइनेंस में मान लीजिए मेरा 35,000 का सेल्स है और यहाँ पे अगर हम बात करें 20,000 हमारा प्रॉफिट है। फाइनेंस के बाद मैं मान लीजिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ एचआर, ऐसे मान लीजिए अलग अलग पोर्टफोलियो है, 40,000 का है और यहाँ पे 35,000 है, इस तरह से हमने हमारा दिया हुआ है। तो इस तरह से समरी में क्रिएट करना होता है। तो मैं एक बार दोबारा से आपको दिखाता हूँ कैसे किया है मैंने। सिनेरियो मैनेजर में आता हूँ, पहले जो है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्यू से। एक बार ऐड पे क्लिक कीजिए, सिनेरियो नेम क्या है आपका, हमने बोला हमारा सिनेरियो नेम यहाँ पे, यहाँ मैंने लिखना पड़ेगा मार्केटिंग है, मार्केटिंग। और चेंजिंग सेल कौन सा है, हमने बोला ए चेंजिंग सेल्स है कॉमा ए चेंजिंग सेल्स है, और यहाँ पे हम दे देते हैं सेल्स फॉर कास्टिंग बजट 2020 और ओके कर दिया, वैल्यू शो कर रहा है, दैट इज एड एंड ओके। फिर एक और ऐड पे क्लिक करता हूँ, इसका नाम होता है फाइनेंस। फाइनेंस में भी ए ऑटोमेटिक यहाँ से हमारा जो सेल चेंजिंग है ये हमारा F1 है कॉमा, इसको मैं सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे सेल्स बजट 2020 ओके, वैल्यू यहाँ पे दिख रहा है देन ओके। फिर यहाँ पे एक बार और ऐड करते हैं और मुझे यहाँ HR का हो गया और इस बार भी मैंने सेम या HR के ले लिया हमने कॉमा और सुनिए यहाँ पे हमने ऊपर ले लिया HR कॉमा, इसको ले लेते हैं एंड यहाँ पे ले लीजिए कमेंट में सेल 2020 डन ओके, वैल्यू दिख गया डन ओके, अब तीनों आ गया। अब मान लीजिए मैं समरी पे क्लिक करता हूँ, डन ओके, रिजल्ट से भी यहाँ मैं हाँ ये देखिए दिख रहा है सर, एक तरह से पूरी रिपोर्ट हमारी बन जाती है। अब इसका यूज अलग अलग जगहों पे अलग तरीके से होता है और इसको इतना डीपली घुसेंगे तो और डीपली नॉलेज होगा, मैं इसको ज्यादा यूज नहीं करता लेकिन हाँ इस पे मैं आपको और भी चीजें बता सकता हूँ। जैसे कि गोलसिक है, अब गोलसिक में क्या है, ये भी उतना खास यूज नहीं होता है लेकिन बड़े डेटा पे यूज होता है, इसका जो सॉल्वर है वो अच्छा खासा यूज होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे मान लीजिए सम जो है 1,134 हुआ बट मुझे यहाँ पे 10,000 करना था, तो ये आपका गोल सिक जो है एक काम करता है। तो हमने बोला सेट सेल ये रहा टू वैल्यू, हमने बोला कि 10,000 और हमने सेल किसमें करना है तो हमने बोला कि चेंज इसमें कर, इसमें इसमें कर दो, तो इसमें इतनी वैल्यू डाल देगा जिससे इन तीनों का रिजल्ट 10,000 हो जाएगा, ये आपका इससे होता है। लेकिन इसमें जो सोल्वर है वो ज्यादा फायदेमंद चीज है, लेकिन सोल्वर यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखेगा नहीं, वो एडिंग्स होता है, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मेनू बार में ऑप्शन पे, ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहां एडिंग्स आते हैं एक्सेल एडिंग्स गो, ये आपको यहां पे सोल्वर दिखेगा देन ओके, यहां सोल्वर आ गया। अब सोल्वर क्या करता है, अब यहां पे समझिए, जैसे कि आप यहां पे प्रोडक्ट ले रहे हैं, प्रोडक्ट ए इसकी क्वांटिटी है और इसका एमआरपी है, ए आपका अमाउंट ठीक है, आप यहां पे शॉपिंग कर दे शॉपिंग लिस्ट तैयार कर लिया आपने और क्वांटिटी भी जो है आपने यहां पे
एक से लेके नौ तक मैं डाल देता हूँ एंड कॉपी पेस्ट कर दिया और अमाउंट यहाँ पे टोटल आ गया मल्टीप्लाई कर दिया अमाउंट आ गया और यहाँ पे आपने टोटल सम किया और यहाँ पे सम ऑफ द टोटल अमाउंट आपके सामने 222 रुपये। अब क्या है कि आपके पास पैसे कम पड़ गए, आप कम लेना चाहते हैं तो आप कितनी क्वांटिटी माने कि आप बोलते हैं कि भाई माने इसमें प्रोडक्ट में से कुछ क्वांटिटी कम कर दो तो हमें मैनुअली एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि भाई इसको एक करो इसको एक करो तो जाके क्वांटिटी मैच होगा क्या। तो इसमें आपका सोल्वर मदद करता है या सोल्वर पे अब आते हैं और यहाँ हमारे सामने आता है यहाँ पे होता है मैक्स मिन वैल्यू। हमने बोला कि वैल्यू हमें 200 चाहिए ठीक है वाई चेंजिंग सेल किस सेल में चेंज करना है हमने बोला क्वांटिटी में सेल करना है। अब यहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है डेसिमल में नहीं हो सकता एकदम एक ए होना चाहिए मतलब कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि पॉइंट भी नहीं लिया जा सकता क्वांटिटी एक कम से कम होनी चाहिए। तो यहाँ एड में हम आते हैं और यहाँ पे हम बोलते हैं कि इसको सेलेक्ट कर लिया सेलेक्ट किया और हमने बोला इन देखिए इंटीजर होना चाहिए और भी क्वांटिटी आप इससे ऐड कर सकते हैं। अब मैं सॉल्व पे क्लिक करता हूँ तो ए देखिए यहाँ चला और इसने 200 कर दिया बनाया सर इसने यहाँ P2 को 0 कर दिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि भाई क्वांटिटी तो कम से कम एक तो होनी चाहिए तो मैं इसको रीस्टोर ओरिजिनल वैल्यू करके ओके करता हूँ और वापस करता हूँ सब टोटल में जाता हूँ हमने 200। अब यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड कर दिया और बोला कि एज जो है नंबर एज ग्रेटर देन यहाँ पे ग्रेटर देन नॉट ए ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और इसको ओके कर दिया। दो कंडीशन ऐड हो गए कम से कम एक क्वांटिटी होनी चाहिए बेसलाइन होनी चाहिए और ऐसा कर दो कि मेरा टोटल वैल्यू 200। अब सोल पे क्लिक करता है यहाँ देखिए चल रहा है इसे एक्स्ट्रा है आ गया सर ठीक ठीक मैं कमाल की चीज सर जबरदस्त है ये तो ये आप गोल से इसी का छोटा रूप था हमारा गोल से लेकिन सोल्वर इसे बेटर है देन ओके कर दीजिए या फिर सेव सिनेरियो कर दीजिए सिनेरियो नेम कर दीजिए यहाँ पे यूटीआई एंड ओके सिनेरियो में आपका सेव हो गया ओके करके आप इसको स्टोर कर लीजिए। अब यहाँ देखिए इसी सिनेरियो मैनेजर में भी चला गया क्वांटिटी। अब इसको अगर मैं समरी पे क्लिक करता हूँ देन ओके तो यहाँ रिजल्ट आ जाता है बाकी ये चीज अगर बगड़ा जो लिखा हुआ है उसको अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं। तो ये समझ में आ गया डेटा टेबल कोई खास नहीं है सर इसको आप इग्नोर कीजिए। इसका आगे एरे फॉर्मूला में हम करेंगे नहीं सर अब बाकी की आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। अब बात करते हैं फोरकास्ट। फोरकास्ट भी आपका जो फीचर है ये नया फीचर है ये पुराने वर्जन में नहीं था। ये फोरकास्ट करता क्या है चलिए बताता हूं आपको। जैसे मेरे पास मंथ वाइज हमने सेल्स निकाली है राइट तो अभी क्या अक्टूबर सितंबर का सेल्स समय यहाँ पे आ गया हुआ है। ये फोरकास्टिंग करके देता है पिछले जो रिपोर्ट है डेटा है उस डेटा के बिहाफ को देखते हुए ये बताता है कि अगले 2 महीने 3 महीने या 4 महीने पे कितना सेल होने वाला है लोअर मीडियम करके 3 टाइप में दिखाता है। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ यहाँ पे डेटा में फोरकास्ट अब यहां पूछता है फोरकास्ट स्टार्ट फ्रॉम 0 and 0 इसमें चाहिए मुझे ड्रैग
including forecast static. I get duplicate using count is सही है inflation. And 12 यहाँ पे मैं करता हूँ 12 और स्टार्ट हमने करता है यहाँ 1 तुम्हें इंटर क्रिएट क्यों नहीं आ रहा ओ माफ कीजिएगा ये मंथ नंबर में होना चाहिए अब आ गया ना सर तो आपका डेटा ये है यहाँ देखिए सर सेल्स आपका ऑलरेडी चल रहा है इस तरह का फॉलो में चल रहा है 9 महीने तक आपने सेल दिया 9 महीने के बाद इसने फोरकास्ट किया हुआ फोरकास्ट में इसने फोरकास्ट बीच वाला आपका फोरकास्ट है उसके बाद ये बताता है लोअर कितना आएगा अपर कितना जाएगा आप इसको इस तरह से भी देख सकते हैं लोअर कितना सेल्स आपका कितना रह सकता है कम कितना होगा और ऊपर कितने होगा तो इसने 12 का सेल किया है अगर मान लीजिए आप 15 महीने का सेल करते हैं तो 15 का फोरकास्ट दे रहा है ठीक है सर जी सर ऑप्शंस में यहाँ पे आता है कि फोरकास्ट यहाँ पे एंड कब होगा 9 से होगा स्टार्ट कब होगा 9 महीने से होगा क्योंकि 9 महीना डेटा हमारा 9 महीने से स्टार्ट कर रहा है फोरकास्ट आपको डिटेक्ट मैनुअली है या फिर यहाँ पे सीजनली जो है आप मंथली 1x1 या 2x2 यहाँ खुद सेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ से खुद सिलेक्ट कर सकते हैं भाई डायरेक्ट ही मैनुअली सही रहता है जैसे आप क्रिएट पे करते हैं एक नई सीट पे आपको जो है ये आपका डेटा दे देता है देखिए तो बेसिकली इसने क्या किया है यहाँ देखिए इसने फोरकास्ट नाम का फॉर्मूला यूज किया है तीन तरह का फोरकास्टिंग होता है फोरकास्ट जो कि नॉर्मल एवरेज फोरकास्ट को कहा जाता है एस्टिमेटेड यहाँ दिख रहा है ना फोरकास्ट डॉट ईएसपी एस्टिमेटेड दूसरा आता है आपका फोरकास्ट लोअर ये आपका लोअर फोरकास्ट है ये आपका अपर फोरकास्ट है ठीक है ना एस्टिमेट कॉन्फिट अपर होता है मतलब कि 50 सेल्स रहने की उम्मीद है कम से कम अगर कम जाता है तो 8.89 तो रहेगा ही रहेगा और बहुत हाईएस्ट जाता है तो 93 तो रहेगा ही रहेगा समझे सर ये फोरकास्ट का यूज किया जाता है उसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप अनग्रुप का उसके लिए मुझे एक अलग डेटा चाहिए होगा मेरे पास डेटा एक है लिखता हूँ सर ग्रुप और अनग्रुप कल कर ले सर ठीक है कल कर लेते हैं मिलते हैं कल सेम टाइम ठीक है सर ओके सर